खंड के बीच में एक संगल दीप सरनाम। अरे असुंदर सुगड़ मुकाम है तो सृष्टि का स्वरधाम। भारत खंड के बीच में एक संगल दीप सरनाम, सुंदर सुगड़ मुकाम है सृष्टि का स्वरधाम। संगल दीप की सात दीपों में श्रोमणी संगल दीप की राजधानी की कथा आया तो महाराजा खड़क सेन राज्य करते थे, तो उन टाइम की बात है। किस प्रकार से कथा रो परिवार शुरू हुआ तो कहीं बात बने देखो। राजा ने खड़ग सेन महाराज ने रूपवती रानी, राजा खड़ग सेन महाराज रे रूपवती रानी। सुर ज्ञानी बड़े सुर ज्ञानी, किया रे शनि देव ने कोपरे सुनो मेरी वाणी, किया शनि देव ने कोपरे सुनो मेरी वाणी। जगदम्ब मात की जय हो। कहीं के भाई संगल दीप की राज तपे राजधानी, राजा खड़ग सेन महाराज रूपवती रानी। संगल दीप की कथा है। महाराजा खड़ग सेन राज करते, रानी को नाम रूपवती, रूप वसंत दो कंवर बड़ी सुर ज्ञानी, किया शनि देव ने कोप सुनो मेरी वाणी। दो छोटे छोटे राजा राजकुमार, बारह माथे बारह राशि नग्रह को राजा सूर्य पुत्र शनि कोप करे, वह कथा है। तो किस प्रकार से कथा का वर्णन कवि करें और कहीं के देखो। में वाराणसी नुग्रह के राजा सूर्य पुत्र शनि की महिमा है। तो समय की बात, भगवान का लेख, रानी रूपवती की ऐसी बीमारी लागे, राजा देश विदेश के वैद्य डॉक्टर हकीम सब बुला लेकिन कोई इलाज नहीं हुए। तो उन टाइम में रानी रूपवती रो आखिरी और अंतिम रो वक्त आ जावे, तो रानी रूपवती दासी ने बुला गए और किस भांति सुदासी ने वचन सुनाए और कहीं के वे देखो। अरे सुन मेरा समाचार, क्यों हकीकत सुन दासी तू सुन मेरा समाचार। यारा जाने जल्दी बोल कर मत कर सोच विचार, हाँ यारा जाने जल्दी बोल कर मत कर सोच विचार।
हरिदासी गई दरबार को भाई सिर पे आजा धार, दासी गई दरबार को रे भाई सिर पे आजा धार। आम खास में पहुंच गई फिर झुक झुक करी जुहार, आम खास में पहुंच गई फिर झुक झुक करे जुहार। दासी ने कहे रानी रूपवती कहू हकीकत सुन दासी सुन मेरा समाचार, अरे लिया राजा ने जल्दी बोल के मत कर सोच विचार। दासी ने कहे दासी इसी वक्त मेरा प्राण जा रहा है, आखिरी और अंतिम वक्त है और महाराजा ने बुला के जल्दी सु मेरे महल में लेके आ। तो दासी गई दरबार को सिर पर आज्ञा धार, आम खास में पहुंच गई फिर झुक झुक करी जुहार, झुक झुक करी जुहार। दासी आदाब बजाती है, महाराज आज मेरे संग चलो महारानी तुम्हें बुलाती है। इस प्रकार से दासी फरियाद करे तो उन टाइम में राजा खड़क सेन आकर के और रानी रूपवती की वो हालात देखिए, जल की धारा आंसू की धारा पड़ रही आंखों में। तो दुखी रानी ने देख करके और राजा के भाई अब क्यों रानी क्या बात है, अरे किस विध होई उदास, जो चाहे हाजिर करूं तो होती काहे निराश। हे रानी मेरे सात दीपों में श्रोमणी संगल दीप की राजधानी है, तेरे आंखों में आंसू पड़ने का कारण क्या है वो मैं जल्दी सुमन बता। रानी कहने लगी महाराज मैं आपसे एक वचन लेने वास्ते आपने बुलाया है और एक वचन दो केवल मेरा तो प्राण जाएगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। राजा कहे रानी कहीं वचन दे तेरे के बगैरी, ब्राह्मणों को भोजन गवा ने घास हरिद्वार जो कार्य करना है मैं अपने आप ही कर दूंगा। रानी नहीं महाराज तो केवल एक वचन में मुंडे से मांगू वो वचन दो मैं। राजा सोच में पड़ गयो चक्कर में पड़ गयो, राजा मन में विचार करो कि स्त्री पति के लारे सती हुए रानी के जो के थे सता हुई है तो रानी बचन तन धर्मिया बात 15-20 तू मांगे जीता दे दू पर तेरे लारे सतो कौन हूं लो भलो। रानी कहे नहीं महाराज तो और ही वचन है काई वचन, तो रानी किस भांति से मांगे और काई राजा सुने काई कथा बने रहो। हाथ जोड़ में करूं बिनती, अरे हाथ जोड़ में करूं बिनती करती तुम्हें पुकार, रूपे बसत दो मेरे छोटे हैं राज कुमार, रूपे बसत दो मेरे छोटे हैं राज कुमार। रानी कहने लगी अरे ये दो छोटे फूल छोड़ के जाती हूँ, ये दो छोटे फूल छोड़ के जाती हूँ, बार बार भूपति तुम्हें समझाती हूँ, बार बार भूपति तुम्हें समझाती हूँ। हाथ जोड़ मेरी यही बिनती, अरे हाथ जोड़ मेरी यही बिनती ना लेना दूजी नार, रूपे बसंत दो मेरे छोटे हरा कमार, रूपे बसंत दो मेरे छोटे राज कुमार। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। रानी कहने लगी हाथ जोड़ में करूं विनती करती तुम्हें पुकार, रूप बसंत दो मेरे छोटे राज कुमार, महाराज इन राजकुमार वास्ते वचन ले मेरा तो प्राण जिसी जगह में कोई दोरा कौन। कहीं वचन रानी ये दो छोटे फूल छोड़ के जाती हूँ, बार बार भूपति तुझे समझाती हूँ, हाथ जोड़ मेरी यही प्रार्थना मत लेना दूजी नार, आ राजकुमारा पर आप दूसरो ब्याह करके और मौसी मत लेना महाराज मेरो ही बचर है। ऐसी बात सुनी राजा खड़क सेन के देख रानी घर गए माया, स्त्री बिना घर सुनो हुए और ना लेने को कई कारण है सो मैंने बता। ए महाराज आगे दो चार मौसिया ने जुल्म कर आपने याद कौन किए। राजा के नहीं रानी
मैं बताऊं? हाँ बता, तो रानी किस भांति छू? राजा ने बताए और कहीं राजा सुने और कहीं बात बने रहो। खेल तो खेल तो राज दरबार में चले गयो, पिता आदर सत्कार कर गये और बाएं गोटे पर बिठा लियो, कन्नी मोसी खड़ी हाथ पकड़ के भरी सभा में अपमान कर गये और मुंडे पर थप्पड़ मार दियो। धर्म भक्त रे काई लागे ही मोसी, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रानी दशरथ की घर रानी के जुल्म कमाया, 14 वर्ष श्री राम को वन में बिछाया। के भी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया। बा राम के काई लागे ही मोसी। एक काम तो उरला उरला है महाराज, तो सबसे श्रेष्ठ नंबर में शालकोट की राजधानी में राजा शंख भाण भाटी की रानी लूणा दे सिद्धेश्वर गोरखनाथ जी रुदियोड़ एक ही बाल को मेरे कर्द कर आगे बाल बाट का बाग में और पूर्ण भक्त के खून में चीर देंगे आली। बा कहीं लागे ही मोसी। एक कारनामा मोशा ने राजा राजा के हे रानी इतना जुल्म कर दिया मोशा ने। बोले हाँ थाने ध्यान कौन के मन ध्यान कौन रानी। राजा के वे अब राजा के चिंता भाई अरी लई प्रतज्ञाधार अरे जब तक रहेगी जिंदगी ना लाऊं दूसरी नार। हे रानी जा मैं आत्मे जड़ लेगी भगवान विष्णु की शोगन खागे शपथ खागे और तन क्यों जा दूसरो ब्याह कोई आज करूं कोई काल। इक तो वचन देवते रानी अपनो शरीर छोड़ देवे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो प्रेम से करनी मात की जय। अब उन टाइम में राजा के वे राजा के चिंता भई रही प्रतिज्ञा आधार जब तक रहेगी जिंदगी ना जाऊं दूसरी नार। हे रानी हाथ में जल जाएगी भगवान विष्णु की शपथ खा गए क्यों मैं दूसरो ब्याह नहीं करूं। तो उन टाइम में रानी रूपवती अपनो शरीर छोड़ देवे। तो दोनों भाई राम लक्ष्मण की भांति माँ के पास में खड़े हैं और दोनों भाइयों के आंखों में आंसुओं की बौछार पड़े। राजा अपने पुत्रों को गले से लगावे और कहे देखो बेटा राजपाट धन दौलत आ सब सुपने की माया है इन्हें छोड़ के और भगवान विष्णु के नाम को गुणगान करो ताकि कायर हो कल्याण हो। तो बचपन अवस्था में माइक टाबर ने जिकी आदत घाले भाई लत पड़ जाए करे। तो दोनों भाई भगवान विष्णु के मंदिर में प्रभु के नाम का गुणगान करे हैं और अठी ने 12 वर्ष बीत जावे। तो 12वें वर्ष आगे के ने राजा महाराजा बोलता मारे अभिमानी होया करता। तो राजा खड़क सेन को दीवान मंत्री
मान महेश जी मैं तो जात्रो बाणी हूं आगे और बड़ी सभा में प्रणाम करें। राजा के आओ मंत्री जी का ही बात है। मंत्री जी कहे महाराज आज मैं आपने मारे दिलरी बात कहूं अगर आप रीछ ना करो तो। क्यों मंत्री जी का ही बात है। तो मंत्री जी कहे मैं अब कुल सुनो बिना पूत पात बिना तरवर सुना एक गज सुना बिना दंत लहर बिना सागर सुना एक घटा जो सुनी ओ ब्रज दामनी के बेताल सुन विक्रमा तो घर सुनो बिना कामनी। हे राजा इतनी चीज सुनी है करे। राजा के मंत्री में समझो कोनी बात कही है। हे महाराज समझा कोनी अभी तक। भैल के माया दो तो राजकुमार फिरे और तीसरो मैं फिरूं चौथा थे बैठा गर्गे माया महाराज रानी नहीं है तो दूसरो ब्याह करके वो रानी ले आओ। नहीं मंत्री जिस टाइम में रानी रूपती गुजरी उन टाइम में आत्मे जल लेंगे भगवान विष्णु की शपथ खा गए और वचन दियो रानी ने। मंत्री के राजा साहब के बात करो जलू आदमी कालो पड़े तो हूं दिन के उठते उठते ही कुरलो करने वास्ते पेल पोत पानी ले हाथ में हूं आदमी कदी समाई जाऊ तो की कौन महाराज छोड़ो और 12 वर्ष हो गया 12 वर्ष जुग पलट जाए थे जो मैं सागी सोगने ले बैठा हूं कहीं कौन छोड़ दो। नहीं मंत्री अगर तेरे कहे से मैं रूपवती को दिया हुआ वचन वरदान छोड़ के दूसरो ब्याह करूं तो दोस्त की नहीं लागे। मंत्री का दोस्त तो खैर गंठ जोड़ो करे जगह नहीं लागे मन लागना तो कारण ही है। तो नहीं मंत्री मंत्री जी के महाराज मेरी बात नहीं मानो तो अस्तिपो मेरे जेब के माइए थारी नौकरी को याद करूं कोई काल क्यों देश विदेश में जकी जगह जाऊं सब ताना मारे के सात दीपों में श्रोमणी सिंगल दीप की राजधानी में महाराज आके रानी नहीं है। तो ठीक है मंत्री जी इतनी थारे जतगी तो जाओ मेरे ब्याह करो। मंत्री के हूं करूं बोले तो बड़ा हे महाराज नेहरू तो पार पड़ेगा। तो राजा खड़ग सेन छोटो सो परवानो लिख के देवा देख मंत्री में परवानो देव तो नो परवाने में कहीं कहीं लिखे और कहीं बात भरे देखो आगे लिख दिया राजकुमार लिख परवाना दिया मंत्री मन में करता सोच विचार लिख परवाना दिया मंत्री मन में करता सोच विचार उम्र यानी कैसे थानी है प्रभु अब कर दे पार उम्र यानी कैसे थानी है प्रभु अब कर दे पार शहर उजैन में उग्रसेन है मंत्री सुन ले ध्यान लगाए शहर उजैन में उग्रसेन है सुन ले मंत्री ध्यान लगाए चंद्रवती है नाम उसी का जल्दी से परवाना ले जाए चंद्रवती है नाम उसी का जल्दी से परवाना ले जाए चंद्रवती है नाम उसी का जल्दी से परवाना ले जाए। पीछे लिख दिया आगे लिख दियो राजकुमार लिख परवाना दिया मंत्री मन में करता सोच विचार मंत्री जी मन में विचार करो आप हम घर बैठे बैठे अलबाद गढ़ में मोल ले ली तो किया राम रमी पीछे लिख दिया आगे लिख दियो राजकुमार मंत्री मन में विचार करो परवानो ले जाके आगे राजा ने देशा अगलो राजा उम्र पूछ सी तो आप कई जवाब देशा। तो अब मंत्री मन में करता सोच विचार बोली बोली वो फर्क हो गयो बोली बोली अंतर हो गयो मंत्री जी चिंता में पड़ गया। जी हाँ एक खान भाई एक चौधरी जी दोनों धर्मेलो धर्मेलो तो दोनों धर्मेलो ईश्वर जी को बात छोड़ो थे। अब दोनों गा चराने वास्ते जावे बन में गा चराने वास्ते जावे तो एक समय बूढ़ा दोनों प्रताप हो गया उतरा दी उमटगेर चौकी तकड़ी आंधी आई एक खाली कुंडी दोनों भी जा सिर क्या चौधरी जी पूछो रे खान भाई की होयो खान के जफीड़ बजा मेनू पता नहीं की होया
चौधरी जी का जफीड कहेंगे बाजो हरी किस नाल कुंडी खाली भी कुंड में जा पड़े आरवा दोनों तो के करा चौधरी जी का हे भगवान ई दरडम कुकर बारा काट हे रामदेव बाबा हे हनुमान जी कई देर तक माला फेरी फते बिन खान ने के खान भाई के हाँ के ऊ थक गयो थोड़ सी सारो मार लियो बीड़ी पी लियो तू माला फेर दो के था पाई दरडम बारे निकल जावा तो खान के चलो मैं फेर से मार तो खान माला फेरनी चालू करी के या खुदा तू या खुदा चौधरी जी कह गया बीत्या 20 साल दरड़े में पड़िया बड़े ही कह और खुदा अरे मेरी माला इसी है बोले बंदे किसी माला है तेरी छोड़ बने आगे तो 20 साल नीचे पड़े हैं बड़े कह और खुदा ई साहब मंत्री जी के बोली बोली वो फर्क क्यों यार वो परवानो ले जागे शेर उज्जैन में राजा उग्रसेन बड़ी सभा में बैठे बड़े फेस करियो है राजा पूछ नगरी कौन सी नगरी में आया हो कुनो महाराज खड़क सेन को दीवान हूँ मान महेश जी मैं तो जात को बाणी हूँ ओ परवानो ले गया महाराज अच्छा धन हो मंत्री जी के वो राजकुमारी उम्र कितनी के मंत्री के महाराज की को ना तो बता दियो निनत को बताऊ जाओ मंत्री जी थाने शांति गुना माफ है बताओ तो सरी काई बात है ए महाराज राजा खुद ही सलाह कर ली खुद राजा सलाह कर ली कोई बात नहीं आकाश में ढूंढा धरती पर ला दिया और बड़ा अपन कोई चाहिए की मंत्री जी मन में विचार करे है राजा को दिमाग खराब हो चलो ठीक है अपन तो छुटकारो हो तो अब कहने को मतलब राजा खड़क सेन दूसरो ब्याह करके वो रानी चंद्रवती ने लिया तो वचन वरदान मांगे के देख रानी आगे मेरे दो राम और लक्ष्मण की भांति दो छोटा छोटा राजकुमार है बाने ऊपर थारी तरफ से कोई आरोप नहीं होना चाहिए देखिए देख आगे राम भगवान श्री रामचंद्र जी की मौसी जुलम कर दियो धर्म भक्त की मौसी जुलम कर दियो मगर श्रेष्ठ नंबर में भक्त पूर्णमल की मौसी जुलम करो ऐसी वार्ता मेरे यहाँ राजकुमार पर नहीं होनी चाहिए तो रानी कहने लगी सुनो महाराज मेरी बात कहीं अब अगमन पिछमन उग जो अरे धरती न झाले भार अरे पर्ण पकी प्रहलाद जिसी मेरो हो जे भेड़ो पार हे महाराज थावर कदी गांव को बलिया करेंगे तो जो जन्मे वो पाप का मैं धरू शीश पर हाथ पर्ण धार तुझको कहूं मैं लागू धर्म की मात आ लड़का रे मैं धर्म की माता हूं और आगे ऊपर कोई आरोप नहीं है तो समय की बात भगवान वो लेख 12वें वर्ष एक समय नारद जी महाराज भ्रमण करता करता और मृत्यु लोक में शंगल दीप की राजधानी में प्रवेश कर गया तो मंदिर में जावे दोनों भाई भगवान विष्णु के नाम का गुणगान करे नारद जी के भाई कुनो रे बेटा ए महाराज राजा का राज कमाना धन्य हो भक्ति करता ने कितना दिन हो गया 12 वर्ष हो गया महाराज देखो भक्ति ऐसी करनी रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण चला जाए लेकिन भक्ति में लाख दुख लाख सुख कठिनाई आवे भगवान वो नाम नहीं छोड़ना है तो नारद जी नो नाम नारद क्यों रखियो नारद जिन्हों वचन कोई रद्द नहीं कर सकता इन वास्ते नारद जी नाम रखियो नारद नारद जी फ्यूज घालता नहीं बैठे मुंडा ही घालता पकड़ाऊता भी नहीं पेड़ाऊ पकड़ाऊता एक समय नारद जी मृत्यु लोक में आया एक खेत में भाई राम हड़पाओ बिन क्यों रे भाई तें थारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी कदी राम जी रो नाम लियो वो कह महाराज बड़ियो ने क्यों राम जी रो नाम लंबो गुणो तब नहीं आवे मारू तो कह को नहीं आवे बेटा बाप तने तू यहां कर शंकर भगवान बेगा प्रश्न हुआ तने शंकर भगवान रो छोटो मंत्र बता दऊ बहु उच्चारण कर थरकाय रो कल्याण हो जा सके तू कह ओम नमः शिवाय ओम नमो शिवाय इतो मंत्र रटतो जा थारो काय रो कल्याण हो जा 5-7 बार नारद जी वो मंत्र बतायो बिन भाई ने याद हो गयो नारद जी क्या छोड़े को नहीं वो क्या अब तो मरिया नहीं छोड़ू अब नारद जी तो पेड़ा पकड़ा जाऊता रहा अब थोड़ी देर हुई वो हड़बा है पालट रे पालट जोड़े जोड़े करे ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय जीते बातर भक्त हो गयो घर दरियानी रोटी ले रही बोले पति देव रोटी जीव लो वो कह ओम नमो शिवाय कह रे कड्डी बना ले ही कह ओम नमो शिवाय कह पानी नहीं तो पी लो वो कह ओम नमो शिवाय घर दरियानी मन में विचार कर दुनिया भेगा घनाया पति देव को कोई भूत पड़ गयो लागे मां और यहां किया करे थोड़ी दूर ही आगे ले वो हड़ गयो हड़ कोई नीचे जड़ में कोई मुड में अड़े हड़ करो खड़े डड़ वो ओम नमो शिवाय तो भूल गयो और भाई राम कर लागो खड़े डड़ 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 घर दरियानी मन में विचार करो अब के तो भूत चार 5-7 बढ़िया लागे खड़ेड़ खड़ेड़ करे जीते ही शंकर और पार्वती जी आ गया पार्वती के महाराज ओ खड़ेड़ ओ कहीं डिस्कोपेशन शंकर भगवान के हमारी माला फेरे बेटा बापा माला फेरे थाने कोई शंकर के कोई शिंभू के कोई यादू के कोई भोलेनाथ के ओ नाम
खड़ा थारो नाम तो कोनी शंकर भगवान के पूछ राजा नहीं माने तो मैं उसी में एक दलडो भी दलडे में खंदेड़े में बैठ गया शंकर भगवान के मैं लुकर बैठू और तू पूछ रहा पार्वती जी जान के ओ भाई किनो नाम लेवे तू वो क्या इतनी देर तो घराली लुगावड़ की बड़ी एक नाम हो चुको भुला दियो रब तू आई है खड़ेड़ याद रहे हो तू भुला छोड़ जवानी पर ने कह रहे भाई बता तो सही नाम की रो लेवा मिंद्रीस आगी वो कह नाम लू थारे कश्मरो पार्वती मुनि में विचार करियो सच्चा नहीं है तो भगवान शंकर को नाम लेवा पार्वती जी के मारे कश्मरो नाम लेवे जने एक ठहरे वो कह रीस आगी पड़ियो एक खड्डे में शंकर भगवान खड्डे में लुकेड़े या तो पार्वती जी पाछे यार बोली धन हो महाराज नाम थारा घणा ही सुना मनो खड़ेड़ डालो डिस्को फैशन आज नुओ चालू हो गयो थारो तो नारद जी पकड़ाऊ था जगह पेड़ा खाने पकड़ाऊ था नारद जी दोनों राजकुमार ने पकड़ा गए और चले गए और अब नारद जी किया स्वर्ग लोक में जावे कहीं देवता वाली सभा लागे बैठे बचन उच्चारण करे कहीं बात बनाए देखो बोलो शंकर भगवान की जय हो लगी बड़ी प्यारी आप मारे सुत नारद मुनि ने पहुंचे वो तप धारी आप मारे सुत नारद मुनि ने पहुंचे वो तप धारी बोलो भक्त और भगवान की जय हो। थैंक यू मैं स्वर्ग लोक में देव सभा लगी प्यारी ब्रह्माशुत नारद मुनि पहुंचे तपधारी नारद जी महाराज स्वर्ग लोक में प्रवेश करें हाथ में वीणा राम नाम गुण गावे ब्रह्मासुर नारद मुनि वचन सुनावे देवताओं ने सभा लागे गुरु बृहस्पति जी पूछना करो आओ धन हो नारद जी कठे सु पधारिया ए महाराज मृत्युलोक सु आयो कहो मृत्युलोक की शोभा क्यों रे मृत्युलोक में नारद जी के महाराज जो कुछ है तो मृत्युलोक में है जगह जगह यज्ञ हो रहा है हवन हो रहा है लाखों मण घी की आवती देवे जगह की परमणु थाना सगड़ा देवता लोग जगह पाणाड़ा बैठे बिक्रियों खड़े ऊंट बैठे जो कुछ है तो मृत्युलोक में है महाराज इतनी बात करी जितने में वाराणसी नवग्रह को राजा सूर्य पुत्र शनि खट सभा आ गया सब देवी देवता खड़ा हो गया जय जयकार को नारो लगाने आ गया सूर्य पुत्र की जय हो शनि महाराज की जय हो नारद जी जय बोली गानी मुंडो फोर लियो शनि महाराज सभा में फिरता फिरता करड़ी नजर करके नारद जी खानी देख करके और तंदुराना नारद जी क्या किया है सगड़ा मेरे नाम को जय जयकार को नारो लगावा तय मुंडो जोधपुर का क्या करियो है नारद जी क्या मुंह मेरो है सलाह अभी मैं कर लू तेरे बाप को लियो की अरे तू मेरे को जानता है शनि के नारद जी के हाथ से तेरा जानू ना छीट पाड़ बिना काम अरे मैं वाराणसी नवग्रह का अवतार सूर्य पुत्र शनि हूं नारद जी के खांगी कर दे तू वाराणसी नवग्रह का अवतार है हूं चार युगंग अवतार हूं लबोल के कृष्ण है जय तेरी कोई आज बोलू कोई काल मख निकल निकल जा अरे तू मेरे रिकॉर्ड ने जाने कोनी बावड़ा तने मेरो रिकॉर्ड बताऊं कि थोड़ सो नारद जी के बता कहीं रिकॉर्ड है तो शनि महाराज किस प्रकार से नारद जी ने वचन सुनाए और कहीं बात बने देखो अरे मैं हूँ सूर्य
को अवतार ने मोको पकरूं भारी तो पकरूं भारी आदमे तो रंगारे करे वाये गति है मेरी नारी आदमे तो रंगारे करे वाये गति है मेरी नारी राजा विक्रमादित्य पर कोप किया था मैंने भारी हाथिया मैंने भारी हाथिया रे तो रंगारे करवाए गति है मेरी नारी हाथिया रे तो रंगारे करवाए गति है मेरी नारी बोलो भक्त और भगवान की जय हो। के बे मैं हूँ सूरज को अवतार कोप करूं भारी तन ठाकुर में मालूम होना चाहिए तने राजा विक्रमादित्य पर थोड़ी सी करड़ी नजर करके धाक्यो चोर मुंह करा दियो एर घानी तेली के घरे बैठो घानी पर तेल काट तो तेजो गांव को तने याद आगे नारद जी के उगो तने ध्यान होना चाहिए रुक्मणी मंगल सुन रहे तेरो शनि महाराज के सुने रुक्मणी मंगल में दो फ्यू जूंदा घालिया में शिष्य वाले की जान में जानी पुठो एक है जीव तो क्या आयो तो कोनी तो तेरू कम कोनी तेरी जय कोई आज बोलू को का अरे अगर इतो ही तू कर रहे तो छोटो सो काम बुला दू तने शनि महाराज के काई काम है तो उन टाइम में नारद जी महाराज शनि महाराज से काई वचन उच्चारण करें और काई बात बने रहो राजा संगले दीप की राज तपेरे रजधानी रजधानी राजा रे खड़गे सेन के कमरे बड़े हैं सुरजानी राजा रे खड़गे सेन के कमरे बड़े हैं सुरजानी विष्णु का भक्त जाने जिन्हें जगत ओ सुनो मेरी वाणी हाँ सुनो मेरी वाणी हाँ दूजे ना नावे तीसरे उम्र है यानी हाँ दूजे तो ना नावे तीसरे उम्र है यानी बोले जगदम्ब मात की जय हो। कहेंगे मैं नारजी महाराज के संगल दीप की राज तपे रज धानी राजा खड़गसेन की कमर बड़ी सुरज्ञानी नारजी ने ध्यान हो क्या दो बे लड़का है बाने आपा राम को नाम है जो को पेड़ा गानू पकड़ा रहे ना है वो नाम तो छोड़े बोल तो कर दो खटकलो देखी जाए नारजी को काम ही हो इन इन्हें बिड़ा देना इन इन्हें बिड़ा देना वही धंधो नारजी को खड़गसेन के कमर बड़े सुरज्ञानी वो है विष्णु के भक्त जाने जिन जगत सुनो मेरी बानी दूजे को ना नावे शीस उम्र है यानी छोटी उम्र है अरे भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है और भगवान विष्णु विश्वास दूसरे को नाम को ले नहीं अरे तू यहाँ कर तीन दिन विष्णु को नाम छुड़ा गए तेरो नाम जराया अरे पुठो आम तेने इनाम में तुम गुरु दे दी नारद जी के और अब नारद जी के उमेर को शटर बा खड़े दे तुम दे दी मेरे को दोई तो समान है शनि महाराज के बावड़ा मेरो धाक धरती समान को जाले नारद जी के को जाले बन मैं के दीजो कई को वाले जा वो बड़े मार्ग दही पर को भाज्या तब शनि और नारजी रो विवाद में आप श्री माँ धोबी रे लागिया चोर मरे कोई और गो और बस नारजी तो फेंकड़ बुला दिया अबे ज्ञान और अज्ञान री बात है ज्ञान अज्ञान री बात किया है दो देरानी जेठानी आप श्री माँ बात करने लागी पानी गया जेठानी के सुने के थारे देवर की बात थारे जेठानी के बात है के भोला घना है किया चारों मेरो के मंगाऊं तो सब्जी लिया हुआ जर्दो देरानी देख रही बोली तो बोला सावड़ किन किन लेर तो आवा थारे देवर की बात सुन किया के एक दिन सब्जी मंडी में सब्जी लाने वास्ते नुई चूंदड़ी ओढ़ गई में साइकिल चढ़ी ओढ़ आया कई देर तो लाल लाल बया पते सामने आ रहे भाई जी सिंधा सिंधा लागो कितने रो
रे दिवालिया कुत्ता थारे घर की लुगाई नहीं दिखे। इतना बोला मरे तो ज्ञान और अज्ञान री बात। नारद जी महाराज ज्ञान और अज्ञान री बात क्या? विष्णु के प्रिय भगत जगह सागे शनि को लड़ाकू करा देवे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अबे शनि महाराज किस भांति शिव मायाधारी रूप पलट गए और किया आवे हैं और कई बात बने रहे। दीप में आ जा हो रामा संगल दीप में आ जा तब शनि ने विप्र रूप बनाया। विप्र रूप धर संगल दीप में आया यानी विप्र ब्राह्मण को श्रोमणी ब्रह्मा पुत्र चारों वर्णों में श्रोमणी हुए ब्राह्मण को रूप धार गए और संगल दीप की राजधानी में प्रवेश कर गया भ्रमण करते करते और भगवान विष्णु के मंदिर में जावे। दोनों भाई बड़े मीठे मीठे शब्दों में किस भांति छू भगवान विष्णु के नाम का गुणगान करें वचन उच्चारण करें और कहीं नारद जी शनि महाराज कान लगा के सुने और कहीं बात बने लगो। अंतर्यामी जय हो अंतर्यामी आर ब्रह्म भगवान तुई होती आपार ब्रह्म भगवान तुई हो तुम हो सबके स्वामी अंतर्यामी जय हो अंतर्यामी। स्वामी रे अंतर्यामी जय हो अंतर्यामी। पार ब्रह्म भगवान तुई होती पार ब्रह्म भगवान तुई बोले तुम हो सबके स्वामी अंतर्यामी जय हो अंतर्यामी। जय हो अंतर्यामी पार ब्रह्म भगवान तुम्ही हो तुम हो सबके स्वामी इन भांति से भगवान विष्णु का भजन भाव करें। शनि महाराज बारे खड़े खड़े कान लगा के सुनियो मन में विचार करो के नारद कहो की बात तो सच्ची है बेटी है भगत तो वास्तव में भगवान विष्णु के प्रिय तकड़ा है। मन ले आपने आगे के सीता बहन आले शाह थोड़ी देर हुई बड़ो राजकुमार मंदिर शिव भक्ति करके बारे निकले ब्राह्मण के रूप में देखे कि शनि महाराज ने देखे और बड़ो राजकुमार वचन उच्चारण करे कहीं अब विप्र तुम्ही से बीनती अरे केर या बारंबार अरे विप्र राज दर्शन दिया मेरो कर दियो बेड़ो पार। अरे धन हो महाराज ब्राह्मण देवता दर्शन दिया आज कल्याण हो गयो। शनि महाराज के कुण लड़का ए महाराज राजा खड़गसेन को राजकुमार नाम किया तेरो रूप
शनि मनु विचार को नारद को जो सगनी है एक तो ओ के रोलो फैला रखे मंदिर में। हे महाराज रोलो थोड़ी है तो भगवान विष्णु की भक्ति करा। ठीक है बेटा भक्ति तो करनी चाहिए पर मैं आपने एक सूचना देने वास्ते आयु हूं। शनि महाराज के मैं सूचना देने वास्ते आयु हूं। बड़ो राजकुमार के कहीं सूचना है महाराज तो कहीं सूचना शनि महाराज बतावे कहीं क्या देखो। अब थारे ऊपर कोप गयो अरे सूरज को अवतार अरे विष्णु भक्ति छोड़ दे तुम्हें बरसू बारंबार। अरे राजकुमार थारे ऊपर वाराणसी नौग्रह राजा सूर्य पुत्र शनि कोप गयो। बड़ो राजकुमार के महाराज हमारे घरे बैठे बैठे पर शनि कोप गयो मेघ शनि का मोठ खा गया। क्या कोप गयो? अरे बेटा अभी चक्रवर्ती दृष्टि है मर्जी आओ इन्हें फोर लेवे। अच्छा फोर लेवे तो माने क्या करना चाहिए थे विष्णु को नाम वालों लफड़े नहीं छोड़ो प्रिया। तो तीन दिन ओम नमो शनि 184 जात जप कर दियो थारो काय कल्याण होगी। बड़ो राजकुमार के महाराज थारी सूचना देने वो काम हो थे सूचना दे दी अब जाओ थे घरे काम खोटी ना हो। मेरे नाम लेशा तो जे ना लेशा तो आगे आगे देख ले। शनि महाराज वापिस आ गया स्वर्ग लोग में नारद जी तैयार खड़े तंदूर लेड़ा। नारद जी कहे आओ शनि आओ जाइए आगे बोले जाइए के विचार बने बोले मिल गयो के मिलियो। बड़ो राजकुमार छोटियो कौन मिलियो बोले हैं छोटियो ध्यान रखे नारद जी कहे क्यों करड़ी आदत है नटखट स्वभाव है पकड़ के अर्जे बैठ गयो मंदिर की फिरनिया में तो 6 महीना को छोड़े लो बोलो। शनि कह के को छोड़े लो अभी तो मैं चेतावनी देने वास्ते गयो असली रूप दिखा छो मेरो भेगा नारा नाम ले लिसे तो तीसरे रोज फिर ब्राह्मण को रूप बना के जावे। बड़ो भाई मंदिर से भक्ति करके बाहर निकले और कहो आओ महाराज आज के सूचना ले रहे हो। बोले मैं साधारण ब्राह्मण नहीं हूं तो कुनो मैं वाराणसी नौग्रह का राजा सूर्य पुत्र शनि हूं खुद। अच्छा थे हो बोले हाँ मेरा नाम लो। नहीं महाराज को ले भाई तो क्रोध में आगे और शनि महाराज बड़े राजकुमार की भुजा पकड़े हाथ तो नेत्र लाल करें उनटे में। बड़ो राजकुमार कबूतर की भांति कांपने लाग जावे काई बात बने अब थर थर जिंदगी कांपेगी अरे दुखिया होयो शरीर तब ही बाहर आ गयो छोटो मागो जायो भीर। भगवान विष्णु का प्रिय भगत छोटो भाई बाहर निकले हैं और पकड़ी हुई भुजा देख के और भाई भी और किस बात से शनि महाराज से छोटो राजकुमार वचन उच्चारण करे पूछना करे और कई बात बने देखो। अरे तू पकड़ो है हाथ वीर गो साथी बात बताओ जी क्यों पकड़ो अरे हाथ वीर गो साथी बात बताओ रे कहीं होयो ओ कसूर वीर से कहीं होयो रे कसूर वीर से बचन सुनाओ रे क्यों पकड़ो रे हाथ वीर को काफी बात बताओ रे क्यों पकड़ो रे हाथ वीर को। आप मुनि होए जानी धनी हम बते हैं ज्ञानी जी आप मुनि होए जानी धनी हम बते ज्ञानी रे माफ करो गुरुदेव जरा माफ करो गुरुदेव जरा मते लाओ रे क्यों पकड़ो रे
बात दिल को साची बात बताओ रे तू पकड़ो ये हाथ दिल को ये बात है क्यों पकड़े हाथ वीर को साथी बात बताओ काई होयो कसूर वीर शिव मुख्य वचन सुनाओ महाराज अगर बड़े भाइयों कोई गलती होगी तो बच्चों समझ गए और माफी करो आप मुनि हो ज्ञानी ध्यानी हम बच्चे अज्ञानी माफ करो गुरु देव जरा मन में क्रोध मत लियाओ महाराज क्रोध मत ही करो माफी दो उन टाइम में शनि महाराज के भाई अरे लड़का थे मैंने पहचानो महाराज ब्राह्मण हो आप नहीं तो मैं वाराणसी नुग्रह का राजा सूर्य पुत्र शनि हूँ तेरे भाई ने तीन दिन हो गया समझाऊं तन क्या नवास है विष्णु का नाम छोड़ गए और मेरो नाम लो छोटो राजकुमार के महाराज 12 वर्ष हो गया भगवान विष्णु की माला फेरता ने अब बिना काम को क्यों नुओ खातो खोलाओ चालन दो मारे तो ही ठीक है नहीं मेरा नाम ना लेना पड़ेगा आपको तो उन टाइम में छोटो राजकुमार किस भांति छू शनि महाराज को वचन उच्चारण करे और कहीं बात बने लगो अरे जब तक रहेगी जिंदगी हम विष्णु नाम गुन गाएंगे हम विष्णु नाम गुन गाएंगे अब सच कहे सुन लीजिए ना तुझे को गीत निभाएंगे सच कहो सुन लीजिए ना तुझे को गीत निभाएंगे भाई बड़े ठंब मात की अब उन टाइम में क्या जब तक रहेगी जिंदगी विष्णु नाम गुण गाएंगे बसंत कहे शनि सुन लीजिए ना दूसरे को शिष्य निभाएंगे महाराज जब तक जिंदगी रहेगी विष्णु के सिवा दूसरे को नाम नहीं लेवा चुप रहो लड़का क्यों अरे तने ध्यान होना चाहिए शनि के भाई मैं दो देवता हाथ का इतना कट्टर और विरोधी हाँ मारो दो ना वो रिपोर्ट बहुत कर दो है बसंत के महाराज शिक्षा उठे एक तो यमराज लेके हुए जीव ने कभी वापिस खो देवे एक में जके ने कह दू जितने दिन वो दिन पूरा आयो पहले वापस में मेरे घर को जाऊं बसंत के महाराज थारा दोना संजो तकड़ो है नी बोले हाँ एक एक दिया थारा दोना ना खांचा डीला होया बस गया याद कान गए खटा होया रे मेरी बात सुनो तो शनि महाराज ने किया छोटो राजकुमार बचन सुनावे कहीं शनि महाराज ध्यान दे के सुने कहीं बात बने रहे सत्य देखी कड़ी यमराज घबराए थे
चावरी करे सत्य देव करे यम मेरा जो बतराए कहीं के छोटो राजकुमार के महाराज मगध देश में राजा अश्वपति की राजकुमारी सावित्री जके वो ब्याह सत्यवान के सागे करो नहीं बोले करो तो सत्यवान की आत्मा लेने वास्ते यमराज जी गया। सत्यवान का प्राण लेने को यमराज चल धाये। सावित्री का सत देख करके यमराज घबराए। सावित्री को सत देख कर यमराज जी का पेंकट बोलिया कौन बोलिया नी हाँ सीधा कौन बोलिया महाराज तो 450 वर्ष की उम्र करिए आम तक ही सत्यवान की खोड़ो माँ बाप को राज बोध रही और अंधा माँ बाप बने नैन दिया बोलो वो जीव हो कोई गगू घंटो चुप रहो लड़का क्यों वो तो जाने वाले समय की बात ही चली गई। चली कान गई महाराज एक दिया थे ही बजा शनि महाराज गंगर बजो थाने ध्यान होना चाहिए जबकि टाइम में शनि रावण के दरबार में रेवता थे हनुमान जी प्रवेश करो तो शनि महाराज रावण के कन्ने ही बैठा सिंहासन लगाया। अबे बड़ा बड़ा राक्षस योद्धा बड़ा बड़ा हनुमान जी ने देख देखे भाजना शुरू हो गया लंका में खेगा तुरड़ ऊपर ला गया। शनि महाराज गोडक ने सिंहासन लगाए बैठे बैठा कि हे राजा हे शंकर के उपासक दस सिकंदर राजा ए आज डेढ़ा राक्षस भजे की है के विचार हो कोई एरियम आ गया केरल है रावण के एरियम के आ गया तन ठाए गए हूं कन्ना ऊंचो नीचे हूं क्या खतरो हूं क्या खतरो वो मेरे आप को मत वादन हुए मेरी आप ही सलाह अरे क्या नहीं बोले वो बांदरों दी सैनी तन खड़े बोले वो 250 ग्राम को वो बोले 250 ग्राम को नहीं तो वो पीरू पले दिन आयो जो 5 मिनट के मां लंका को राशन कार्ड बना छोड़ दियो आ राक्षस ने कुटिया इतना दोरा बाप ने जन्ना ये भजे वो छोटो सो तन लागे वो पूछ बदल लागे जो पाकिस्तान तक ठंड ठंड पूठा लिया पूछ में गाल गाल सब गए बांदरो शनि महाराज के बात करो महाराज थाने लाग दो लोगी तो मन अग्ञा दो मैं जाऊं अब इन तेरे पताल ठोके बोले ना तो मुर्गे लंका मावे ना थाने कुछ दे दे रावण के घनी आ छोट लंका 13-14 में पताल में घाजे तो राम बल्लू करे थे जा। शनि महाराज आया आगिर का जय शंकर की हनुमान जी का जय सिया राम आओ आओ सूर्य पुत्र आओ क्या पधारिया के पधारिया हूं तो तेरे लाग हनुमान जी महाराज के मेरे क्यों लाग हूं मेरा धंधो करू हूं गुआर खा गयो तेरे अरे नहीं तो मेरी तो चक्रवर्ती दृष्टि है सलाह में तेना फोर दू हनुमान जी महाराज के अच्छा फोर दी के बोले आऊ कितना दिन है महाराज सारी दृष्टि मेरे का नहीं 6 महीना हनुमान जी महाराज के महाराज थोड़ा 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 6 महीना मेरे पार पड़ेगा शनि महाराज के कह दिए तो वो कह दिए 6 मिनट ही कम कौन करूं अभी चलो ठीक है थाने जचगी तो जिगे तो बताओ कान गए पूछ गए मोडे गए गोडे गए कट लाग जो जिगिया बुहार जुहार साफ कर लू थारे दरबक लगे शनि महाराज के मैं मुकुट के लाग मुकुट के बोले हाँ शनि मन में विचार करो मुकुट के लाग तो ऊपर उपराक्रम देगे तेरह पताल घाल दू आ जाओ महाराज तथा अस्तु बैठ जाओ अब शीश पर विराजमान हो गया और बैठते ही ऊपर पराक्रम दे शुरू करो गए भाई तेरह पताल घाल दू जोर दे चालू करो हनुमान जी के शनि महाराज ने के शनि बोले हाँ आमता ही ठेके हो 6 महीने हो क्यों तुम्हें उतर दियो नहीं थाने मिन खाना ही आदर करके ठेके हो बट बिठाने दियो अब ऊपर बैठे बैठे वो उंदा जेक किया चढ़ ऑटर बैग चढ़ा दी इतनी बात सुनी शनि महाराज कह रहे बंदर
क्या कहूँ हकीकत दुनिया में मेरे दिल में रीस समाती है। अरे रावण की लंका बाड़ी क्रोध भरी मेरी छाती है। तै रावण की लंका बाड़ी नहीं भी हूँ, बदलो ले आयो तेरों बताल गाल छू तने। हनुमान जी कह हो आग लगवाई हुई है ठहरे नी कह नी बिरदाया से बल जाग दिया कभी हो जाए संत मती को। हनुमान जी महाराज ऋषि यारो शराब बल भूलेड़ा रहे था, कोई याद कराए बाद में फसल धर्मियाबाद वेंकट कलडो को बुलाऊ था। तो कहीं हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को सुमरण करे और कहीं बात बड़े पुतगा कोई पार नहीं पावे है। मारुति सुति नंदन शब्द भंजन पवन पुत्र के लावे है। उठाई लिया पर्वत को सिर पे राम नाम गुण गावे। हनुमान जी महाराज जय सिया राम करके और लाखों मणुओं पहाड़ों को बांथा में घाल के सिर पर चक लियो। सांझो के बनियो ऊपर लाखों मणुओं पहाड़, नीचे हनुमान जी को मुकुट। बिचारे शनि पज गयो अबे रघुपति राघव राजा राम पति पाऊ सीताराम, हाथ में ले गए खड़ताल और हनुमान जी महाराज नाचन शुरू कर दी। शनि महाराज कह रहे हनुमान, बोले हाँ ओ के करे हनुमान जी के डिस्को करूं। कितनी देर कर सी, बोले बावला राम के नाम में बड़ो सोम रस हुआ मन आनंद आने लग गया, कने कने नहीं गेड़ चढ़ जाऊ छह महीना तुम करायो नाचू। शनि मन में विचार करो छह महीना आपनों छह महीना केवड़ा वो तो यही चो फाड़ी है बगसी, तो अब के करा अब पाड़ तो हनुमान जी पकड़ के गेड़ चढ़ा बोचो सकी सकी पड़न लागो थोड़ी सी जिज्ञा ला दी। शनि महाराज तो ग्यारतिया 33 पेंकड़ बुला गया पसीने हड़ा डो बोड़ा। रावण कहने आया, रावण कह रहे यहाँ हड़ाऊ छुटोड़े ऊँट आवे जी माई विचार की है। बोले विचार की है माचा को उधर ठिकर ठोबर घाल ऊपर लको मन लारे आवे चो फाड़ी ओडो है लारे आवे। तो बसंत के महाराज थे को दिन पूरा यूं पहली पुठाऊ को नहीं बटकिया पेंकड़ बोलिया था ना चुप रहे लड़का क्यों। वो तो शंकर का ग्यारहवां रुद्र हनुमान जी महाराज था। बसंत के महाराज जो भक्ति करे वो ग्यारहवां ही हुए, माने आज बाद में अठारवा मान लिया। जाओ वो पड़े धी पर को मार्ग। अबे शनि महाराज बसंत की बात सुन गए किया क्रोध में आवे है और किस भांति से स्वर्ग लोग ने जावे और कहीं बात बढ़े। सभी रे समझा के
बोलो भक्त और भगवान की जय हो, शनि महाराज की जय हो। शनि बसंत का सुन के वचन क्रोध अति लावे, अरे संगल दीप से स्वर्ग लोक ने जावे। ब्रह्मा सुत नारद मुनि मिले जब आके, क्यों संगल दीप की कथा सभी समझा के। नारद जी के वह शनि जाइए हो गए, शनि महाराज के जाच भाई और ना बटके उठा के सुन दे मिल गया, दोनों मिल गया। बोले हाँ के क्यों उत्तर दे दियो रवा सपा। बोले जाओ जल दे दियो, तो अब के सुन देते हो। अब चाल गुरु बृहस्पति जी से मुझे आज्ञा देना चाहेंगी, वह दोनों लड़का ऊपर में दृष्टि लागू करके विष्णु वो नाम छुड़ा गए, मेरो नाम दिला गए छोड़ छू, मेरो नाम सुनी। नारद जी का चाल दिला दू, मेरा आलस को मिंट गई। आगे आगे नारद जी लारे शनि महाराज गुरु बृहस्पति जी का नाया है। दोनों ने भेड़ा देखे और गुरु बृहस्पति जी कह रहे आज दोनों ठावड़ो ठावड़ा थे, भेड़ा किए हो की बात है। नारद जी के महाराज के आया इन शनि ने थोड़ी सी की इजाजत दे, उन्हें कहेंगी दो लड़का में दृष्टि लागू करनी चाहे। बोल कितना दिन, दिन को नाम लियो। शनि महाराज एकदम रिश्म लाल बम बोड़ा गंगानगर वाला टमाटर जी, क्या दिन नहीं महाराज तो मेरी बात सुनो खाई। अब हाथ जोड़ कर बीनती तो मेरे उठे बदन में झाल, अरे दो भैया के लाग सुई तो साढ़ी बारह साल। हे महाराज दिन नहीं तो साढ़े बारह वर्ष की अनुमति दो। गुरु बृहस्पति जी कह रहे छोड़ो शनि छोड़ो बावड़ा, तेरो साढ़े बारह वर्ष को कोप धरती आसमान को झाले। नर जी कह लागण दो की को करे नहीं हो है। चोखो सुहा होड़ो आ सोच गए मैंने खींपा में काकड़िया घणे लागेड़ा हुआ की को करे नहीं लागण दो। गुरु बृहस्पति जी कह रहे नारद तेरा तो भाठा बिड़ाने का काम है, दूसरो धंधो करे कोई। नारद जी कहे हूं भाठा बिड़ाऊ तो कहो कंट्रोल और तुड़ा दू की आदत है मेरे में। किया द्वापुर में पांडव पुत्र भीम के साथ में, देखी मैं भी थोड़ सो गर्भ करियो मेरा के मैं भीए को कंट्रोल तोड़ा दियो पांच मिनट में। किया एक समय नारद जी मृत्यु लोग में भ्रमण करता करता और पांडवों के द्वारे चला गया, तो कुंती नंदन पांडव पुत्र भीम घर गए माया स्नान करने लाग रहे हो। नारद जी बोला बोला मां बढ़िया जार करो जय सिया राम। नारद जी इतनी बात सुनते ही और भीम से कमड़ी ओढ़ ली ऊपर, कह महाराज ब्राह्मण आ गया नहीं ना तो एक मुक्के में मार दियो। नारद जी कह राम राम करते नहीं मारे वो की अटकल तेरे कन मारे शर्म का नहीं होता ने चंगी द्वापर को माने हो यो दो हूं घड़ो वेड़ो नाउन लाग रहे थाने ठाको नहीं निजरू जे तो थारी। नारद जी कह इसी निजरू जी सु तू के पिचियो इडे साला पड़ूंड ने कहंगे निजरू है तने दूध चुंग तो टबरे दूध तो निजरू है। बोले छुटकारो गाल कौन कह भीमसेन। नारद जी के बाप ही सोगनो आज तो इडो मोटो हो गयो छुटकारो की निकालियो कोने में, तो एक काम और कर ले के थुत करो ना गले तो मेरे सगे मल्लयुद्ध कर ले कबड्डी कर ले। नारद जी के आई अटकल कहानी मने आई अटकल कहानी, तो एक बात है के अगर तू अगर मैं युद्ध करूं जना ही वह कोई दूसरो ने लिया गिर किनी बिड़ा दूं तो पार पड़ा कान के। भीमसेन कह किन्नी लिया बलाई, अब कह मेरे तो गू क्या फट है कि ढकेड़ मुंह है किन्नी यार भिड़ा दे बलाई मेरे सागे। तो अब जकी टाइम में सात दिन की अनुमति लेंगे, अब जकी टाइम में नारद जी महाराज मन में विचार करो के ले भाई भीए को कंट्रोल तोड़े तो शंकर को यार मो रुद्र हनुमान जी है दूसरा तो भीड़ो तब आवे को नी। तो अब हनुमान जी महाराज कहने गया, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी की भक्ति में लीन है और जाके इनके नारायण हनुमान जी महाराज के जय सिया राम। आओ 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 ब्रह्मासुत हनुमान जी के किया पधारिया। बोले किया पधारिया महाराज दो ढाई एक मिनट को काम है करो नी। हनुमान जी का के काम है कह काल को युद्ध है एक ढाई सौ ग्राम को जो भी थारे तो दो ढाई मिनट लागसी कंट्रोल तोड़ रहा हूं। कौन है पांडव पुत्र भीम मेरे को थुतकारा गलावे। हनुमान जी के धन हो जाओ नारद जी थुतकारा गाल दियो। क्यों अरे मेरे तो कंट्रोल टूटे को नहीं कबड्डी पेड़ो करूं को नहीं तो क्यों बुढ़ो गयो। भगवान श्री रामचंद्र जी कला ये जद मेरा चक्कर ताल था, अब कृष्ण कला है अरे भीमड़े का चक्कर ताल से भाई मेरू पार पड़े को नहीं तो बुढ़ो गयो।
नारजी मैं क्या महाराज के बूढ़ा हो गया नारजी था हो गया हनुमान जी ने पोटा उना को लागे लागे कोन है पोटा घणा ही बेगा तैयार हुए है ले महाराज हा 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 नारजी के थारो के केनो महाराज देखा थे लंका में गया किड्डे किड्डे राक्षस मारया देखी लंका ने बालगिर किया धूड़ धानी करी ओ हो हो थारे बलगो के केनो महाराज हनुमान जी महाराज फट चोतो भीड़ खड़ा हो गया बोलो फट मार दू मुसल गए ने नारजी के महाराज थे तो एकदम उपड़िया भंभोड़ उपड़े जो बोले और बड़े अपन संदे कोई कबड्डी बेनो थोड़ी करना तो भी कंट्रोल जो तोड़ावना है खाली कंट्रोल ही तोड़ावना है तो देखी टाइम में हनुमान जी महाराज वृद्धाप रूप धार के बूढ़ो 80-90 साल को 100 साल को भीमसेन कर्ण युद्ध करके आवन लाग रहे हो जागीर मार गए मां सो गया नारजी एक मोटो पेड़ो भी पेड़ गए लारे तंबूरो ले गए लुक गया अब भीमसेन बिका दो एक पास रहे हो आगे हनुमान जी महाराज ने कहवा रहे हो बांदरा परियां हो जा रास्ता परियां हो जा आती के पगाऊं किचरी दिन मर जलो मन अजकाल दिस सगोन के टकेड़ू है हनुमान जी महाराज के वे हनुमान जी महाराज गुडाड़िए 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 मार्ग पास हो गया वो पूछ रतेंगे जो रेडियो नो सड़क पर बेरियल छोड़े जो पूछ लंबो करके मार गए मां छोड़ दियो भीमसेन करने आगे हाथी ने ठाम गए हनुमान जी ने कह रहे बांध रहा ओ मार्ग में कह रेडियो लंबो करके हनुमान जी महाराज के वो तो पूछ है बोले इतो तो लंबो पूछ बोले उम्र खासी ले लीजिए ओला बद तो बद तो दो तीन बीघा बद गयो रहा हूं के करू तो पन्नरेणी मोट का टिप छू हनुमान जी महाराज के मानेड़ो द्वापर को योद्धो है तू तेरो बावला धाक झल्यो को नहीं हूं आप पास हो यूं मार गू मस्सा अरे पूछ ले जको तू चक्कर रेड़ दे तो जकी टाइम में हनुमान जी महाराज के वे मरो के हले सुटवो फोन बारे टाइम में हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज भीमसेन ने कहे के यारो पूछ रो तुम पर रेड दे भीमसेन के हुई से समान का हाथ खोल गऊ तू आप ही रेड खुद देरो हनुमान जी महाराज कहे द्वापर को मुन मानड़ो योद्धो तू तेरी धाक झल्ली कहानी मैं आप खुद मसा फस हो यूं एर ओ पूछ तू रेड दे नहीं तू ही रेड देरो चक्के हनुमान जी महाराज के चक्के रेडू भाई सकी जे कौन क्यों हनुमान जी महाराज कह लिफ्ट कंट्रोल छोड़ गी लिफ्ट से क्या कहानी नहीं भीमसेन कह मुंह शेड़ेंगे हाथ को लगाऊ नहीं तो पकू रेड़ छू पर हनुमान जी महाराज कह चल पकू रेड़ दई रेड़ तो सरी दई दई कदी ठोकर को लगाया करे अब भीमसेन नीचे उतर के आती हूं और आगे डावड़ पकू रीश में आगे नेत्र लाल करके और मारी ठोकर जो डावड़ पगो डावड़ अंगूठ टूट के झड़ दे बास थी पाट्यो भीमसेन मन में विचार करो पूछ है श्वांज की है बेटू अंगूठा टूटा है चिनखार उपड़े अड़मुखी है अबे धनुष को बाण नीचे मेल गए नीचे हाथ गाल लिया दोनों हाथ गाल गए चकने में श्वांज करो अबे 33 करोड़ दे देता हूं बल्ले हनुमान जी को पूछ मांगो थे जानो क्यों सकी जाओ भीमड़ो खड़े खड़े डोला बेरडो कने ऊंचो है कने नीचो है हनुमान जी महाराज कहे यार रेड़ दे के ग्वार की बोरी है तो कोई कांटा कर सके ना लागियो ऊंचो नीचो होने भीमसेन का चकी जे कोनी की है जकी टाइम में हनुमान जी महाराज अपनो असली रूप विराट रूप धारे पहाड़ के समान पर्वत के समान जितने तंदूर लेर नारजी का तो पेड़ लारे खड़ियार का फट आ गया बोले आजा कर ले घोड़ मेरे तो है दारा सिंह खड़ो भीमसेन के शंकर के 11वां रुद्र हनुमान जी महाराज राम के दूत अजनी के पूत धन्य हो महाराज थे हनुमान जी महाराज के हुई वो दूजो बड़े कोने आजा कबड्डी कर सा भीमसेन के बाप की सोगुन घरे उड़ जू नाम को लियो तो कबड्डी को नारजी के नहीं थुतकारा गलाओ तो नाम ने खस दिया बोलो कौन ही बुलाऊ महाराज हनुमान जी उठा कौन ही मन तो नारजी के मैं द्वापुर में भीए वो थोड़ सो गर्भ करो मेरे आगे कंट्रोल तोड़ा दियो मेरे मिनट 5 लगी अरे थे सनी नहीं दे दियो छुट्टी देखी जाए जी ऊंची जी ऊंची तो कितना दिन दिन को नाम लियो सनी महाराज के दिन नहीं महाराज तो हाथ जोड़ करूं बीनती मेरे उठे बदन में झाल दो भाइयांगे लाग शू 12.5 साल 7.5 वर्ष की अनुमति दो
जो को मैं बसंत के ऊपर लागू करूं, और 5 वर्ष की अनुमति बड़े रूप के ऊपर, कुल मिला के 12.5 वर्ष की अनुमति दो तो मैं लागू करूं दृष्टि। तो 12.5 वर्ष को अनुमति लेंगे और किस भांति से रूप को रूप बना के अब रानी चंद्रवती के महल में जिसी और किस प्रकार से शंकर की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। बोलो शनि महाराज की जय, प्रेम से बोलो जगदम्ब मात की जय। कई बात बने देखो, जगदम्ब मात की जय हो। अब उन टाइम में शनि महाराज किस भांति से रूप को रूप बना गए और रानी चंद्रवती के महल में जावे और किस प्रकार से कथा का परिवहन शुरू है और कहीं बात बने देखो। समय बड़ी बलवान पार ना पावे, अरे शनि धरिया रूप का रूप महल में आवे, लागे धर्म की माय खोटा बचन सुनावे। दिवस बीत गया तीन पार नहीं पा, 3 दिन बदितमान हो गया। रानी ने पतो नहीं कि रूप के रूप में शनि की माया है, रूप को रूप बना गए और आगे मुंडे छू अधर्म का बोल के गे चलो जावे। रानी मन में विचार करो कि राजा जी जो की टेम में प्रण गए ले, बड़ी मुश्किल से वचन वरदान दिया और आज वो ही राजकुमार आ गए। ऐसी बात के वह तुम्हें राजा ने कहीं बचन किस प्रकार से क्यों, और अब जी टाइम में 3 दिन हो गया, 3रा रोज रानी दुखी हो गए और दासी ने भेज गए और महाराजा ने बुलाए राजा खड़ग से नावे। रानी ने देखते के बोल रानी ढांचो रस दियो बिल्कुल ही, मैं तेने पहली समझाई वो सागी बात कर दी, बोल रूप ने मराने वो ढांचो रचो है या बसंत ने। रानी मन में विचार करो जो बात क्यों ना वो पहली राजा के भाई, तो अब किस प्रकार से राजा ने क्यों, तो रानी के महाराज बात तो आई है कि यहाँ आपको बड़ो राजकुमार रूप है जो 3 दिन हो गया मुंडे सू अधर्म का बोल के गे चलो जाओ। बस रानी चुप रहो, क्यों के नारी गुण की खान है, गुण बहुत घना नारी में और इन्हें सागे सागे वो गुण को भंडार है। ए रानी थे तो जीते सागी रूप में ना वो नहीं बीते पड़ी आए, सागी रूप में आने के बाद में आदमी ने 4 डबल रोटी 5 मिनट में पा दे किया, अबे किया किया एक भाई राम हो आरे बारे सल्ला पटका पाड़ तो एक दिन घरे बैठो बैठो बड़ाई करे के सुने के बोले हाँ के मने नहीं बार बार गवाला माने भादवे में गोगे नहीं किया माने जू मने मन ओहो बोली शानो के मने थाने टूटू बड़े कि मने इनकी मुन्ने बोले बात छोड़े नहीं तू मेरे जे की जे नहीं तो पूरी तहसील में टेल को मच जे। बा बोली टेल को घर में ही को मचे हैं, घर में ही को मचे बोले मचे करे कोनी है। बन मन में विचार करे बोले विधवा तो जे राम करी तो ईर जे आते हुई तो ही इन टेल को देखा दिखाण कितनी दूर में मचे। बन बात की गांठ बांध ली, 3-4 महीना आना गाल गए चेत बैसा को महीनो आयो बन देखियो अब देखा दिखान टेल को कितो मचे।
लुखी रोटी जलाई। वो कह बावड़ी लुखा रोट जलाया, कंठ छुल गया मेरा। साग को बने जबा के चंगो बनावा साग, अरे चेत में साग को मीन है सांगरी तोड़ जाओ। बाके हूं लुगाई उदा तो मेरू सांगरी टूटे गे। वो के सांगरी तो हूं तोड़ जू, चलो तो चलो तो शरीर बने मन ठा को नी उलाक नी सी है मीठी सी के। मैं बोली हूं सागे चलू तो बता दू थाने, चल तो अब लेगी गांव गए थुन पास है 20 हाथ लंबी केल पावरे जो अथुनी आंधी चले। मन मन में विचार करो ई खेरड़ी पर चाड़ा नी दठ टेल को मत या मत को नी। बा देख बोली क्षण इंगी सांगरी डाडी मीठी है। वो ऊपर ने देख बोलियो बावड़ी 20 हाथ लंबी केल आथुनी चले आंधी। मैं बोली मर जाओ शेर सूत बांधो मर्द हो बो के हाँ तो मर्द ही मकड़ी चढ़ गिरवा चढ़ गयो भाई राम ने। अब चढ़ गयो एक हाथू दाड़ो पकड़ो एक हाथू सांगरी तोड़ा। पर मन में विचार करो ये तो 6 महीने को समाई जाते क्या दबा दब तोड़ लियो सांगरी घरे का हाथ जी। बोले तो एक हाथ तो ती टूटे। बोले दो हाथ तोड़ लियो। बोले डालो क्या डालो पंजा में पकड़ लियो यहाँ रवा को नहीं क्यों मोरी हूँ पंजा में पकड़ लियो। अरे मर्द हो डालो पंजा में पकड़ लियो। बोले हाँ तो मर्द ही डालो पंजा में पकड़ लियो। आंख दोनों एक पास आ गिर वाह। बोली जाओ थे तो जय सिया राम दुकान कितनी दूर में टेल को मचा मचा करा टेल को मचा दी। और राजा कह रानी शाकी रूप में आने के बाद में साप चार डबल रोटी मिल जाए वाक्य में ढांचो रच दियो। लेकिन वो तो राजा शंख भान भाटी और न्याव करनी हो राजा को नहीं होनी। एक रानी के कहने पर अपने पुत्र के खून शू हाथ धो लिया। मैं जब तक आंखिया सुना देखू मानू को नहीं। शनि महाराज गुप्त रूप में सुना। शनि मन में विचार कर आंखिया से दिखा लो तेरे हाथ की बात है। तब चौथे रोज राजा छुप के देखे नजरों के सामने रूप को रूप बना गए। और रानी ने अधर्म का बोल के चलो जाओ। राजा के विश्वास हो गयो के वाक्य में रानी है वो सही है और रूप ने ऐसी अन्याय की बात कर दी है। तो जल्लाद ने ऑर्डर दे दियो का हाँ जकी वो जगह भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है और भगवान के नाम ने बदनाम करे बिने काम को माने बड़े राजकुमार ने पकड़ के मेरे नजरों के सामने ले आओ जला जावे। दोनों भाई विष्णु के मंदिर में गुणगान करे जागे। जल्लाद ने आवाज लगाई तो छोटो भाई कहे भैया आपने सिपाही बुलावा संतरी नौकर चाकर बुलावा पर ए जल्लाद क्यों पुकारे के राज यही बात में। तो बड़े राजकुमार ने पतो पड़ गयो बोले हाँ शनि की माया है आपा नाम लेने ने इनकार हो गया शनि माया पलटती लागे। तो कह भैया मैं तने एक बात बताऊं। तो बड़ो भाई किस भांति से छोटे भाई ने समझावे और कहीं कह और कहीं बात बने लगे। भैया रे लई सनी वो नाम सनी की माया न्यारी है। बड़ो राजकुमार के भाई सनी नाम हम लेने को हो गए इनकार। सनी देव ने कोप किया नश मार देवे तरवार तू यहां कर मेरे शागे तो जो वे जो हुंदे पहली दृष्टि 5 वर्ष की रूप के ऊपर लागू करे। शनि महाराज
तू यहां कर शनि को नाम ले ले, तेरे में कोई दुख संकट ना आवे। छोटो भाई के भैया, आज मैं भगवान विष्णु की शपथ खा गए क्यों शनि को कह तू तो मैं शुक्रवार हूं अगले दिन वो नाम को मुझे मख निकले तो। शनि गुप्त रूप में सुनो मन में विचार करो वो मोटोड़ो की लेन में आवे छोटी हो तेरी पार पड़ने को दिन अबे जल्लाद पकड़ के ले जावे हैं अठीने नारद जी ने पतो चलो नारद जी मन में विचार करो ले भाई उंदा फ्यूज तो गाल दिया अबे अबे शनि पेंकट बोला शीशे का कोई रोड़ो को नहीं तो की करा अब हाथ में ले गए तंदुरो बीणा धारी दौड़ा दौड़ा द्वारकापुरी में फूक गया है राधा रुक्मण सतबामा सब रानिया भगवान ने पून घाले भगवान नींद में सो रहे है राधा रुक्मण देखते ही और नारद जी के धन हो नारद जी धन हो आओ आओ मारी द्वारकापुरी पवित्र कर दी नारद जी के हूं पवित्र करने जमेड़ो और मेरे धंधो ही कोई कोई हूं ये करो बातो नास्तो भड़क नहीं कर दू पवित्र थाने ए थारा घरला ए गोरम गोर के उड़े बोले तो सुत्या है अने जगानो मेरे काम है हे महाराज ए अभी रोटी जी मेरे सुत्या है उठना मुश्किल है नारद जी का उठानो उठना मुश्किल है तो राधा रुक्मण भगवान ने किस भांति छू मीठे मीठे शब्द में पुकारे और कई बात बने देखो जागो जागो महारा मदन गोपाल थारे भक्ता में समरा भीड़ पड़ी भगवान सुत्या नीना में उठा कौन राधा रुक्मण के महाराज हे नारद जी सलाह कर सोड़ा उठे कौन थे उठानो नारद जी के मैं उठान दियो थारो कौन केड़ो 6 महीना सुनो नाम ही को ले बड़े मेरो नाम नारद है तो ले गए तंदूरो बीना धारी तार कश गए तंदूरेगा और किस भांति छू बीणो बजा गए भगवान ने उन भी बात के वे रखिया नींद मुंह जगाने और कई बात बने बड़े आखियां सो गयो रे आखियां सो गयो रे कानूरा थारे जचेगी मैं बात के मुला थारे जचेगी आखियां सो गयो रे कया सो गयो रे कानूरा थारे जचेगी मैं तो बात कहूंगे थारे जचेगी मामो मार ने भयो सुरमो कदगो राव के वायो रे मामो मार ने भयो सुरमो कदगो राव के वायो आपर नारी के पले झुमो मांग मांग धई खायो आपर नारी के पले झुमो मांग मांग धई खायो किया सो गयो रे अरे किया सो गयो रे कानूरा थारे जतगी में बात के मुला थारे जतगी आ कया सो गयो रे
कैया सो जोरे कानुड़ा थारे जतेगी मैं तो बात कौने थारे कटेगी कृष्ण बलदेव की जय हो। किया सो गयो रे कानूड़ा तेरे जचगी बात के दू तेरे घटगी। नारजी के हे भगवान थे कदगा चौधरी हो काम के करया। मामे का फेंकट बुलाया मामो मार ने भयो सूरमो कदगो राव खेवायो। अरे परनारी ये पल्ले झुनियो मांग मांग रे दही खायो उठो कोनी नी भगवान नींद में उठा आओ 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 ब्रह्मा सुत आओ धन हो। किया पधारया थाने के बताऊं महाराज थारे नाम का दो प्रिय भक्त हैं विष्णु के नाम का जगह थाने ठा है मेरे तो दो चार बूंदा फ्यूज गाले बिना गड़बड़ उठिए घालना पड़े मन तो शनि के सगे लड़ाको करा दियो। एका ने शनि मार लाग रहे थे तीन जान का रोट खा लो मोरियाली पांख रोट सो जाओ शर्म कानी आ थाने खड़ो विजय को नहीं। भगवान कृष्ण के धन हो नारजी अभी जाता हूं मेरे भक्तों को संकट बोले मेरा हाथ लागे बेटे घना नहीं हुआ। अबे भगवान कृष्ण ब्राह्मण को रूप धार गए और शंगलदीप की राजधानी में प्रवेश करे तो काई बात बने। एक सेठ रो सेठानी बीगे घर में जावे तो सेठ सेठानी को नेम गाई नित्य प्रति एक ब्राह्मण ने भोजन कराई बिना आप ही रोटी कोजी में बीघ रही भगवान उठिया कृष्ण। सेठ देखता ही कहे धन हो दादा क्या हमारा आंगना पवित्र कर दिया आओ महाराज रोटी जी मैं ही भोजन करा। भगवान कह नहीं क्यों जिस गांव में गऊ हत्या होती है उस गांव में ब्राह्मण का भोजन करने का धर्म नहीं है। सेठ कह गऊ हत्या की है महाराज समझा कौन में समझा कौन ही बोले हैं। अरे एक राजा बिना कसूर अपने लकड़े लड़के ने खत्म कर रहे हैं और गऊ हत्या एक और की है। सेठ कह महाराज राजा ये कि आपके लड़के ने मारे तो जे की करे तो लेना देना करे तो मारकन के इलाज है थे यहां करो। भगवान कह भी लड़के की जाम नहीं देगी प्राण बचाओ। शेठ कहे दादाजी माने जरूरत का नहीं था सिर को दादो और आज चोट कड़े टावर वो पड़े मार्ग जाओ माने जरूरत का नहीं जामनिया राजा कौन जामनी देवे बेटे। सेठानी के धन हो महाराज राजा माने या ना माने जामनी मैं दे देश जामनी मैं दे देश भगवान के मनाउनो जाने मैं जाऊं तो जागे सेठानी धर्म की माता बन गए और किस भांति शु कमर की बड़े राजकुमार की जामनी देवे और काई केवे देखो राजा पूरा धर्म निभाऊं बनु धर्म की माता राजा पूरा धर्म निभाऊंगे रूप कमर की देख जामनी कमर का प्राण बचाऊं हाँ रूप कमर की देख जामनी कमर का प्राण बचाऊं। बचपन में माता मरी राजा दुखिया होयो शरीर बचपन में माता मरी राजा दुखिया होयो शरीर आज दुख में डूब गया दोनों माँ का जाया वीर हाँ आज वो दुख में डूब गया दोनों रे माँ के जाए वीर। बोलो जगदम्ब मात की जय हो। कहीं के भाई बनू धर्म की माता राजा पूरा धर्म निभाऊं रूप कमर की देगी जामनी कमर का प्राण बचाऊं महाराजा। शेठानी हाथ जोड़ के प्रार्थना करे धर्म की माता बन गई मैं जामनी देऊं इन लड़के से शहर से निकाल दे नगरी से शहर बदर कर दो। आज के बाद में शंगलदीप की राजधानी में कदम रखे तो आपने जो इच्छा व सजा मन दिया। अब जकी टेम में राजा खड़ग सेन मान महेश जी मैं तो बाणी हूं दीवान ने कहे दीवान जी सेठानी जामनी देवे कुकर ले लेंगे
मान भाई जी मैं तेरे शीश पर पड़ी शनि दृष्टि पड़ता ही माथो खराब बोले महाराज बलंदियों नहीं लुगाई की किसी जामनी है आ जामनी देर पीर उठ जी छह महीने पुठिया बोलियो जामनो बिचाले पड़े बोले सीधा छोड़ो चुप रहो मंत्री क्यों देती हुई जामनी को नहीं रोकना चाहिए ठीक है महाराज थारी सलाह जी करो अब हां से टाणी आज के बाद में नगरी में प्रवेश कर गयो तो मैं जो इच्छा है वो सजा तने दूं धन हो महाराज मेरे मंजूर है काला वस्त्र करावे और बड़े छोटे राजकुमार ने कहे आ बेटा तने संगलदीप को राज तिलक दूं छोटियो भाई कहे पिताजी मन तो था ले संगलदीप की राज धानियों बिल्कुल गड़बड़ाई हुआ है क्यों ओ राज है तो प्रधान जी ने दे दो देखी जाए मैं तो मेरे भाई की सागे जिस्यू सुख दुख में तो दोना ने काला वस्त्र करावे तो नगरी छोड़े जकी टाइम में जलम भूमि छोड़नी पड़ी दोरी है संगलदीप की राजधानी ने दोनों भाई प्रणाम करे और कहीं कहे अब माटी संगलदीप गई अरे मैं तुझे निभाऊं माथ अरे खेले कूदे आज तक तो बड़े प्रेम के साथ हे माँ माँ पृथ्वी ने प्रणाम करें तेरे पर खेल कूद कर बड़े हुए हैं अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना तो जन्म भूमि छोड़नी बड़ी भारी दोरी है 34 गांव उठा जन ठोइया गांव का बूढ़िया जो कही हेरो ले ले मर गया कह रहे ठोइया सिर को गांव को नील पानी बड़ो कुएं में भरियो पशु मर जाता मैंने देखो जन्म भूमि भी जन्म भूमि वास्ते हेरो ले लियो वहां तो जन्म भूमि छोड़नी बड़ी दोरी है तो जकी टाइम में बड़ो राजकुमार संगलदीप की राजधानी देखे आंखें में थोड़ सो आंसू लेवाए के देख भैया आज देख अपनी जन्म की दीवार माता हूं थी तो आ हालत अपनी कदी का हुई थी तो छोटो भाई किस भांति से बड़े भाई ने धीरे बनावे और काई के वह देखो क्या देख भैया मेरी बात सुन तो के वह चंद्र ने लखन लाल बन जाऊं जाऊं रे तू बन जा राम चंद्र में लखन लाल बने जाऊं रे आ सुख दुख सारा भोग मेरे भैया सुख दुख सारा रे भोग मेरे भैया ओ अबे संग तुम्हारे जाऊं रे तू बन जा रे भैया राम चंद्र में लखन लाल बने जाऊं रे तू बन जा रे भैया रामचंद्र घबरावे रे भाई रामचंद्र मेरे विपत आई के विपता से घबरावे रे भाई रामचंद्र में विपत आई बने लक्ष्मण जावे राम जावे संग लक्ष्मण जावे संग जावे रे सीता माई तू बन जा रे भैया रामचंद्र में लखन लाल बने जाऊं रे तू बन जा रे भैया रामचंद्र छोटो भाई कह तू बन जा रामचंद्र में लखन लाल बन जाऊं दुख सुख सगला भोगे भैया संग तुम्हारे जाऊं के विपता से घबरावे रामचंद्र में विपत आई राम गया बन लक्ष्मण गया संग गई सीता माई देख मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी में विपता आ गई और चिंता की बात नहीं भैया तो अब दोनों भाई अब बन फल खावे रात बितावे अरे अरे दुखिया होयो शरीर दोनों दुख में डूब गया तो वो माँ का जाया भी दोनों भाई बियाबान में बनफल खावे
और ओम विष्णु भगवान के नाम को गुणगान करे। तो तीन वर्ष वदीतमान हो गया। तीसरे वर्ष एक समय शनि और नारद जी को मिलाप हो गया। नारद जी देख बोले, शनि तने काम बुलाए नहीं? बोले बुलाए तो कितना दिन हो गया? तीन वर्ष हो गया। कितना नाम लिया तेरा? शनि महाराज के जूता भी गोलियो। तो अभी जाता हूं देख मैं उस व्यावान में उनकी क्या हालत कर देता हूं। तो शनि मायाधारी किस भांति छू, माया पलट के रूप धार गए और उसी व्यावान में आवे अरकाई कथा बने। देखो बात बने। तीन वर्ष गया बीत शनि की माया, शनि धरिया संत का रूप चाल के आया। तीसरे वर्ष शनि महाराज साधु रूप धार और उसी बियाबान में आ गए और पंचारंगी शंख बजाई है। तो शंख की आवाज सुनी, बड़े भाई छोटे भाई इनके, हे भैया तीन वर्ष हो गया कोई साधु संत महात्मा को दर्शन कौन करियो नहीं।